स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट पर। बात कर रहे हैं पुष्पीय पादपों की आकार की, जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, पुष्प की। हमने पुष्प के सारे भाग पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना था फल, लेकिन एक टॉपिक था जो रह रहा था हमारा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे प्रश्न बनते हैं और बहुत दफा प्रश्न बने हैं नीट में। ठीक है, तो हमें कॉम्पिटिशन भी लेकर चलना है और हमें अपने स्कूल के एग्जाम्स को भी करना है ना। तो मान के चलिएगा जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो क्विज आएंगे उनमें प्रश्न जो आज पढ़ाऊंगा उसी से ही आएंगे, तो पूरा लेक्चर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं किसकी बेटा जी, पुष्प क्रम की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन? पुष्प क्रम। ठीक है, फिर लेकर आऊंगा लास्ट में क्विज। क्या कर रहा? ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, पुष्प क्रम के बारे में। ठीक है, अब देखिए बेटा जी, पुष्प जो होते हैं, ध्यान से देखिएगा, पुष्प जो होते हैं उनमें, या मैं बात करूं पुष्प क्रम क्या होता है, ये जो पुष्प क्रम है ये होता क्या है, आइए समझते हैं बेटा जी पुष्प क्रम को। देखिए, सबसे पहले पुष्प क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पुष्प क्रम बोलते हैं। अब आप पूछेंगे सर पुष्प क्रम का मतलब क्या है, आप मुझे बताएं। एक तना है और इस तने से निकली है शाखा, क्या इस शाखा को मैं पुष्पीय शाखा बोल सकता हूं? सोचिए, क्या बोलूंगा बच्चों इसको, पुष्पीय शाखा। ठीक है, और इस पुष्पीय शाखा पर, इस पुष्पीय शाखा पर उपस्थित होंगे क्या? फूल यानी पुष्प। अब किस क्रम में होंगे, किस क्रम में होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके से लगे होंगे, वो क्रम जो होएगा ना पुष्पों के लगने का, किस पर? पुष्पीय अक्ष पर, या पुष्पीय शाखा बोल दीजिए, या पुष्पीय अक्ष बोल दीजिए, कि पुष्पीय शाखा या पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के लगने का जो क्रम है, अरेंजमेंट है, किसका? फ्लावर्स का, इस शाखा पर, वही क्या कहलाता है? पुष्प क्रम। ठीक है, तो सिंपल भाषा में हम लिखेंगे पुष्प क्रम क्या होता है, पुष्पीय अक्ष या शाखा पर पुष्पों के लगे होने के क्रम को पुष्प क्रम बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये मीनिंग तो समझ में आ गया होगा कि भैया एक शाखा है जिस पर कौन लगे हैं, पुष्प लगे हुए हैं। अब किस तरीके से लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, किस हिसाब से लगे हुए हैं, तो वो जो अरेंजमेंट जो होगा, वो जो व्यवस्था जो होगी, किसकी? पुष्पों के लगने की, किस पर? इस पुष्पीय शाखा पर, वही क्या कहलाएगा? पुष्प क्रम कहलाएगा। इतनी सी बात तो समझ में आ गई, मीनिंग तो समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। अब साहब ये कैसे लगे होते हैं, अब आप पूछेंगे ना सर कैसे लगे होते हैं, तो दो तरीके से लगे होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है असिमाक्षी और एक होते हैं ससिमाक्षी। क्या बोला? एक है असिमाक्षी और एक है ससिमाक्षी। असिमाक्षी को बेटा जी इंग्लिश में बोलते हैं रेसिमोस। ठीक है, और ससिमाक्षी को हम बोलते हैं साइमोस। एक है रेसिमोस और एक है साइमोस, एक है असिमाक्षी और एक है ससिमाक्षी। अब साहब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, इतना सा हिंट दे देता हूं मैं आपको ताकि पहले ही समझ में आ जाए। देखो एक बार समझ लो, पहले एक बार दोनों के बीच में तुलना कर लो। देखो बेटा, ये मान लेते हमारा तना है, ठीक है, और ये इसकी शाखा है, ये तना है और ये इसकी शाखा है। ठीक है, दोनों में मैंने शाखा दिखा दी, जिनको हम क्या बोलेंगे, पुष्पीय शाखा या पुष्पीय अक्ष बोल देते हैं, सिंपल सा था। चलें आगे,
अब देखना, मैं लाल रंग से ना पुष्प बना रहा हूं, लाल रंग से क्या बना रहा हूं, पुष्प बना रहा हूं। आप मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए, किसमें पुष्प शाखा के शीर्ष पर मिल रहा है? आप बोलेंगे सर इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। बस ये पहला अंतर समझ में आ गया, समझ में आया कि कौन सा पुष्प क्रम होता है जिसमें सबसे पहला फूल जो होता है वो शाखा के शीर्ष पर लगा होता है। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, सबसे पहला फूल क्या शाखा के शीर्ष पर था या उसके, सोचिएगा, उसके आधार की तरफ था? सोचिएगा, दिमाग लगाए, सोचिए, दिमाग लगाए, क्या यहां पर सबसे पहला फूल जो है शाखा के कहां पर लगा हुआ है? जरा सोचिए, शीर्ष पर लगा हुआ है, लेकिन यहां पर जरा सोचिए, यहां पर कहां लगा हुआ है? जरा सोचिए, आधार की तरफ लगा हुआ। समझ में आ गया? अब आप मुझे आंसर देना सोच समझ कर, किस में, कौन से पुष्प क्रम में अगर हम देखें शाखा की वृद्धि निरंतर होती रहेगी? सोचो, शाखा की वृद्धि निरंतर होती रहेगी या पुष्पीय अक्ष की वृद्धि लगातार चलती रहेगी? जरा सोचिए, इसमें चलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि इसके टिप पर, इसके शीर्ष पर तो पुष्प आ गया, अब ये आगे वृद्धि नहीं करेगा, लेकिन ये शाखा आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो याद रखना, पुष्पीय अक्ष लगातार किसमें वृद्धि करती है? इसमें, इसमें नहीं करती है, क्यों? क्योंकि पुष्पीय अक्ष के शीर्ष पर क्या आ जाता है बेटा जी, आपका पुष्प आ जाता है। समझ में आ गया? सिंपल सा था, चले आगे। अब एक और चीज देखो, अब देखो नया पुष्प यहां पर है तो पुराना कहां लगे, सॉरी सबसे पहला पुष्प ये वाला था तो इसके बाद जो नया आएगा ये सबसे पहले आया था। ध्यान से देखना, सबसे पहले इसको देखते, इसको देखते एक बार, है ना, सबसे पहला पुष्प यहां आया था, सबसे पहला कहां पर आया था? शाखा के शीर्ष पर, ठीक है। अब इसके बाद जो पुष्प आएगा वो नया होगा, कहां पर आएगा जरा सोचिए, इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, नए नए जो पुष्प आ रहे हैं, नए नए जो पुष्प आ रहे हैं, नए 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 जो पुष्प आएंगे, यंग फ्लावर्स जो आएंगे, ठीक है, वो शीर्ष की ओर आएंगे के आधार की ओर आएंगे? सोचो, एक समुद्र होता है ना, समुद्र, उसका नीचे का भाग आधार क्या कहलाता है? तल कहलाता है, तल कहलाता है ना, बेस कहलाता है ना। अब आप मुझे बताएं, यहां पर नए नए पुष्प किधर की ओर आ रहे हैं? सोच समझ कर मुझे बताएं, आगे की ओर, आगे की ओर, अग्र भाग की ओर आ रहे हैं कि तल भाग की ओर आ रहे हैं, बेस की तरफ आ रहे हैं कि आगे की तरफ आ रहे हैं? नए पुष्प, सबसे पहला ये था, फिर उसके बाद नया ये आया, फिर और नया आया, फिर और नया आया। तो जरा सोचिए, पुष्पों का, ध्यान से सुनना, पुष्पों का लगना जो है, पुष्प क्रम कैसा मिलेगा यहां पर, जरा सोचिए। ऐसा पुष्प क्रम जो होएगा, इसको हम बोलते हैं अग्राभिसारी या तलाभिसारी। सोचिए, तलाभिसारी, इस लगे होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तलाभिसारी। अब जरा सोचिए, तला नहीं है, हमने तला वर्ड में तल आ रहा, तल, तल का मतलब, इसको अच्छा इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी याद रखना, बेसी पीटल। अब थोड़ी बहुत अगर अंग्रेजी आती है सिंपल सी, तो बेसी पीटल में बेस वर्ड आता है, बेस, तलाभिसारी में तल वर्ड आ रहा है, बेस या तल का मतलब ही क्या है? आधार। अब जरा सोचिए, नए पुष्प जो हैं क्या वो आगे की तरफ, अग्र भाग की तरफ लगे हैं या आधार की तरफ आते जा रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर आधार की तरफ आ रहे, जहां से ये शाखा निकली थी उधर की तरफ आते जा रहे हैं। तो ऐसा पुष्पों का मिलना, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तलाभिसारी क्रम कहलाएगा, ठीक है। अब जरा सोचिए, यहां पर देखते हैं, देखिए सबसे पहला पुष्प ये था, ठीक है, अब इसके बाद नया पुष्प ये आया, और नया ये आया, और नया ये आया, और नया ये आया। अब शाखा जो है, ध्यान से सुनना, ये शाखा क्या होती जाएगी? वृद्धि करती जाएगी। ये शाखा क्या कर रही है? वृद्धि कर रही है, मैंने आपको बताया, क्योंकि शाखा की शीर्ष पर पुष्प नहीं है। तो आगे की तरफ जरा सोचिए, आगे की तरफ क्या आते रहेंगे? नए नए पुष्प आते रहेंगे, नए नए क्या आते जा रहे हैं? पुष्प आते जा रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं, ऐसा अनुक्रम जो होएगा, इस तरीके से पुष्पों का मिलना क्या कहलाएगा?
तला भी सारी के अग्रा भी सारी, जरा सोचिए इस अनुक्रम को हम क्या बोलेंगे, तला भी सारी के अग्रा भी सारी, इसको हम बोलेंगे अग्रा भी सारी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी याद रखना एक्रोपीटल। पुष्प किस क्रम में लगे होते हैं, अग्राभिसारी। अब जरा सोचिए एक्रो का मतलब होता है आगे, अग्र का मतलब भी क्या होता है आगे। अब जरा सोचिए यहां पर नए पुष्प, मैं नए पुष्प की बात कर रहा हूं, पुराने की नहीं बात कर रहा, जो नए 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 पुष्प आते जाएंगे वो आगे की तरफ आते जा रहे हैं कि पीछे की तरफ आधार की तरफ आ रहे, आगे की तरफ। यहां पर नए नए पुष्प आधार की तरफ थे, ठीक है। तो देखिए मैंने पुष्पों की आकार भी किस तरीके से बनाया, जो सबसे पहला होएगा वो सबसे मोटा, फिर नए 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 छोटे 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 छोटे, यहां पर सबसे पहला सबसे मोटा शीर्ष पर था, शाखा की बिल्कुल शीर्ष पर था, फिर नए नए आधार की तरफ होंगे। तो ये है दोनों आपके पुष्प क्रम में अंतर, बस इतना सा, ठीक है। स्टार्ट करें, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा जी, असिमाक्षी की। आइए स्टार्ट करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, असिमाक्षी, जिसको हमने बोलते हैं रेसिमोज, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेसिमोज। अब खुद देख लीजिए, खुद देखिए, यहां पर ये मान लो एक शाखा थी, ये क्या थी, एक शाखा थी, वृद्धि कर रही है। क्या शाखा के शीर्ष पर कोई पुष्प दिख रहा है आपको, देखो क्या शाखा के शीर्ष पर कोई पुष्प है, नहीं, ये शाखा लगातार क्या करती जाएगी, वृद्धि करती जाएगी। सबसे पुराना पुष्प ये रहा, फिर नया ये रहा, फिर नया ये रहा, फिर नया ये रहा, इस तरीके से अग्र आगे की ओर क्या कर रहे हैं, नए नए पुष्प आते जा रहे हैं। ऐसा आपका इन्फ्लोरेसेंस, ऐसा आपका पुष्प क्रम क्या कहलाएगा, असिमाक्षी कहलाएगा। तो जरा जल्दी से सोच समझ कर मुझे बताएं, क्या यहां पर दो बिंदु लिख दूं क्या, पुष्पीय अक्ष, पुष्पीय अक्ष क्या करती है बेटा, लगातार वृद्धि करती है। पुष्पीय अक्ष लगातार क्या करती है, वृद्धि करती है, और उसके शीर्ष पर पुष्प नहीं होता, और उसके शीर्ष पर पुष्प नहीं होता। सिंपल। दूसरा बिंदु, पुष्प किस क्रम में लगे हुए हैं, अग्राभिसारी के तलाभिसारी, अग्राभिसारी पुष्प, अग्राभिसारी जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोपीटल। अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। अग्राभिसारी का मतलब नए नए पुष्प, नए नए पुष्प आगे की तरफ लगेंगे, ठीक है। तो ये आपने दो बिंदु याद रखने, किस में बेटा जी, आपके असिमाक्षी में। सिंपल सा था, चलें आगे। अब बच्चों हम इसके ना प्रकार देखने वाले हैं, अब ध्यान से सुनना, हमारी कई कई कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं जिनमें असिमाक्षी के प्रकार दे रखे हैं, कईयों में नहीं दे रखे, तो पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहला प्रकार जो है किसका, असिमाक्षी का, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला प्रकार जो है उसको हम बोलते हैं प्रारूपी असिमाक्षी, जिसको हम बोलते हैं रेसीम। ये बिल्कुल वही है जो हमने अभी अभी पढ़ा है ना, ये वही है। तो आप बोलेंगे फिर प्रकार क्या है, ये पहला प्रकार है जो हमने नॉर्मल ये जो चीज पढ़ी है ना, बस यही पहला प्रकार है किसका, असिमाक्षी का, जिसको हम टिपिकल असिमाक्षी बोलते हैं, यानी टिपिकल रेसीम बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या क्या बिंदु याद रखने। सबसे पहला बेटा जी, यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपको पुष्प व्रंत याद है, पुष्प का व्रंत, पुष्प का व्रंत याद है ना, समझ में आता है ना। अब ध्यान से सुनना, देखिएगा बेटा जी, यहां पर ये जो था ये बिल्कुल सबसे पहला पुष्प था, फिर उसके बाद ये नया आया,
अच्छा यहाँ पर आपको क्या पुष्प वृंत दिख रही है? पुष्प वृंत, पुष्प की डंडी। ये और नया, ये और नया, ये और नया, 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 ये और नया। अब ये शाखा ऐसे वृद्धि करेगी, याद रखना, ये शाखा क्या करती जाएगी? वृद्धि करती जाएगी, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, क्या इन पुष्पों के पास पुष्प वृंत है? क्या ये सवृंती है या अवृंती है? क्या बोला मैंने, वापस से सुनना। ऐसे पुष्प, ध्यान से सुनना, ऐसे पुष्प जिनके पास पुष्प वृंत होती है उनको हम क्या बोलते हैं? सवृंती। और जिनके पास पुष्प वृंत नहीं होगी, अब जरा सोचिए, इसी को ही अगर मैं ऐसे बनाता, देखो, अब जरा दिमाग लगाएं, यहां पर क्या दिख रहा है, इसमें और इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है? इस पुष्प के पास पुष्प वृंत है, इसके पास नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? अवृंती। और इसके पास है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सवृंती। तो याद रखना, भूल मत जाना बेटा जी, यहां पर ये जो सबसे पहला प्रकार था असिमाक्षी पुष्प क्रम का, जिसका नाम है प्रारूपी असिमाक्षी, इसमें सबसे पहला बिंदु याद रखना, पुष्प सवृंती होते हैं। सवृंती का मतलब उनके पास पुष्प वृंत होता है। सवृंती का मतलब पुष्प वृंत उपस्थित होता है। पुष्प वृंत क्या होता है? उपस्थित होता है, याद रखना, भूल मत जाना। अब इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट है बेटा जी, याद रखना है आपने, एग्जांपल। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला सरसों, दूसरा गुलमोहर। इस चैप्टर में उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण आपने सारे याद रखने हैं, रखने पड़ेंगे बेटा जी सारे उदाहरण। और ये बहुत टाइम लगता है इनको, उदाहरणों को याद करने में, तो रिवाइज करना पड़ेगा ये चैप्टर बार बार, ठीक है, समझना इस चीज को, ठीक है। तो ये था पहला प्रकार, कौन सा बेटा जी? प्रारूपी असिमाक्षी। किसका प्रकार था? असिमाक्षी पुष्पक्रम का था, जो हमने पढ़ा बिल्कुल वही का वही था, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा जो है उसका नाम है शुकी, दूसरा जो है उसका नाम है शुकी। और शुकी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइक, स्पाइक में और रेसीम में, शुकी में और प्रारूपी असिमाक्षी में अंतर देखो, यहां पर और इसमें अंतर क्या है देखिएगा। ये बेटा जी, ये जो नीले रंग का है ये पुष्प है, ये सबसे पुराना पुष्प, ये और नया पुष्प, ये और नया, और नया, और नया, और इस तरीके से चलते जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, अभी अभी मैंने आपको ये और नया पुष्प, ये और नया, और नया, और नया, और इस तरीके से चलते जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर क्या पुष्प वृंत है कि नहीं है? आपने बोला है सर, इसीलिए हमने इसको क्या बोला था? सवृंती बोला था, नहीं बोला? बोला ना। लेकिन यहां पर देखिए, पुष्प वृंत नहीं है, बस इतना सा ही अंतर था, बस इतना सा ही अंतर था। तो याद रखना, यहां पर एक बिंदु याद रखना, क्या पुष्प अवृंती होते हैं? ठीक है, याद रखना, भूलना मत। कैसे होते हैं? अवृंती होते हैं। अब अवृंती को ना कई बार इंग्लिश की बुक्स में जब आप देखते हैं तो लिखा होता है सेसाइल, कई बार ये वर्ड मिल जाता है, सेसाइल का मतलब अवृंती, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब इसका उदाहरण याद रखना बेटा जी, इसका एग्जाम्पल जो है वो आपने जरूर याद रखना है, पालक, जरूर याद रखिएगा। उदाहरण कौन? पालक जो है, उसमें किस प्रकार का पुष्पक्रम था? असिमाक्षी था। असिमाक्षी भी पर्टिकुलरली कौन सा? शुकी था। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है। आइए तीसरा बेटा, थर्ड जो है उसका नाम है स्थूल मंजरी, स्थूल मंजरी, इंग्लिश में बोलते हैं स्पैडेक्स। अब साहब ये क्या है, ध्यान से देखना, यहां पर कुछ दिख रहा है ना आपको, इसको पहले मैं समझाता हूं, देखिएगा। मान लो ये हमारा एक तना है,
ठीक है, और ये हमारी एक शाखा है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं थे? चलो जी आगे देखिएगा। अब देखिएगा यहां पर आपको पुष्प कैसे दिखाई दे रहे हैं। आप बोलेंगे सर यहां पर भी अवरंती है, मैं मना नहीं करूंगा, हां सर यहां पर भी अवरंती। आप बोलेंगे सर यहां पर भी अवरंती थे, इसमें भी अवरंती है, यहां पर भी अवरंती, फिर फर्क क्या है? रुकिएगा, अब आपको ये वर्ड याद आ रहा है सहपत्र ब्रैक्ट। बोला था मैंने आपसे याद करने के लिए सहपत्र याद आ रहा है, एक ऐसी पत्ती, एक ऐसी पत्ती जो पुष्प वृंत के आधार से निकलती है ना। अब देखिएगा यहां पर आप बोलेंगे सर पुष्प वृंत तो है नहीं, तो याद रखना ऐसी पत्ती जो पुष्प वृंत के आधार से निकल रही थी उसका नाम क्या था? ब्रैक्ट। ये क्या, ये शाखा है ना, इस शाखा से, ध्यान से सुनना, इस शाखा से तेरा मन कर दिया, एक पत्ती निकल रही है और इस पूरे पुष्प क्रम को ढक लिया। क्या कर लिया बेटा जी? पूरे पुष्प क्रम को देखो, ये यहां पर व्हाइट कलर की दिख रही है, ये व्हाइट रंग की दिख रही है, सफेद रंग की दिख रही है, ये है क्या बेटा जी? वो सहपत्र जो यहां पर ये दिख रहे हैं, ये है पुष्प। आप बोलेंगे ऐसे होते हैं? हाँ जी ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो पुष्प क्रम जो है ना, ये सारा का सारा पुष्प क्रम जो है, इस पूरे पुष्प क्रम को क्या कर लेती है? ढक लेती है। ठीक है, ऐसी सहपत्र, वो सहपत्र, ध्यान से सुनना, वो सहपत्र जिसने इस पूरे पुष्प क्रम को ढक लिया होता है उसको हम बोलते हैं स्पेथ। पूजा कर जाओ तो क्या, नाम याद रखना, क्या नाम देते हैं? स्पेथ। तो आपसे कोई पूछेगा स्पेथ क्या था, आप सीधा बोलेंगे सर स्पेथ जो है वो सहपत्र है, वो पत्ती है जो यहां पर पुष्प वृंत तो है नहीं, शाखा से निकली थी। कहां से निकली थी? इस शाखा से निकली और इस पूरे पुष्प वृंत को क्या कर लेती है? ढक लेती है। ठीक है, अब आंख मीच करना, आंख मीच कर एक काम करें, एक काम करें, क्या करें, याद करें, आप सभी ने मक्का खाया है, मक्का खाया है, मक्का लंबा सा जो होता है जिसको हम सेक कर भी खा लेते हैं, उबाल कर भी खा लेते हैं, भुट्टा भी बोलते हैं उसको, है ना। जरा सोचिए जब आप मक्का लेकर आते हो तो आप वो छीलते हो, पत्तियां हरे रंग की, वही है क्या बेटा जी? सहपत्र है, वही है जिसने पूरे अंदर के पुष्प, अब जरा सोचिए पुष्प के, पुष्प आगे जाकर क्या बनाता होगा? दिमाग लगाओ, सोचो पुष्प आगे चलकर क्या बनाता होगा? बीज बनाता होगा भाई। पुष्प जो है जब वो निषेचन हो जाता है, पुष्प में कहीं अंडाशय था, वो आगे चलकर क्या बनाता होगा? फल बनाता होगा। फल के अंदर क्या होती होगी? बीज होता होगा ना, होता होगा ना। यानी पुष्प आगे चलकर फाइनली क्या बनाता है? बीज बनाता है कि नहीं बनाता? सोचो, दिमाग लगाओ, बनाता है ना। अब जरा सोचिए अंदर है पुष्प और यही पुष्प आगे चलकर क्या बनाएंगे? बीज। अब इन बीजों के ऊपर एक हरा सा आवरण है और जिसको आप छीलते हो, किसमें? मक्के में। तो वो हरी हरी सी जो पत्तियां आप छीलते हो वो क्या होती है? सहपत्र होती है। तो याद रखना इसका उदाहरण इस प्रकार के असिमाक्षी पुष्पक्रम जो कौन सा है? स्थूल मंजरी। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, मक्का, भूलना नहीं है बेटा जी। कौन? मक्का, याद रखिएगा। ठीक है, और अरबी, नारियल, केला। ठीक है, भूल मत जाना। अब मक्का, अरबी, नारियल, केला, ये चार उदाहरण आपने कतई नहीं भूलने हैं। किसके? असिमाक्षी पुष्पक्रम का प्रकार कौन सा? स्थूल मंजरी यानी स्पैडिक्स। अब स्पैडिक्स वर्ड किससे आया जानते हैं? स्पेथ से आया है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में स्पेथी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेथी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है स्पेथ क्या था? वो सहपत्र था जिसने पूरे पुष्प क्रम को ढक लिया, बस। और एक और चीज, अच्छा यहां पर पुष्प जो है वो कैसे हैं ये भी जरूर याद रखना। पुष्प अवरंती हैं,
पुष्प कैसे हैं बेटा जी, अवरंती है, ये भी जरूर याद रखना। सिंपल सा है, चले आगे। कितने हो गए हैं? तीन प्रकार हो गए। आइए चौथा प्रकार। चौथा है मंजरी। इससे पहले वाला क्या था? स्थूल मंजरी, और अब है मंजरी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटकिन। अब दोनों में ना बस मामूली सा इतना सा ही फर्क था। क्या? कि देखो 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 देखो, कंपैरिजन करना। देखो यहां पर भी पुष्प आवरंती, ठीक है, देखिएगा मैं क्या बना रहा हूं। ये वापस से एक तना, ये इसकी जड़ें, और ये सब शाखा। ठीक ठीक। अब इस शाखा पर लगे हुए हैं पुष्प, देखिएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताना, ध्यान से सोच समझ कर मुझे बताना, तीनों की तुलना करना। सबसे पहले इसकी, यहां पर पुष्प आवरंती थे, हाँ जी थे, यहां पर थे, हाँ जी थे, यहां पर भी है, हाँ जी, पुष्प आवरंती है। यानी इन तीन कंडीशनों में कौन कौन सा बेटा? शुकी, स्थूल मंजरी और मंजरी, तीनों में पुष्प कैसे हैं? अवरंती हैं, यानी पुष्प वृंत नहीं है। चलो तीनों में एक समानता तो मिल गई, लेकिन सब फिर हमने शुकी में सब क्या देखा था कि कहीं ना कहीं सिर्फ हमने इतना सा बिंदु देखा, पुष्प अवरंती होते हैं। ठीक है, अब देखना देखना देखना, आपको यहां पर पुष्प जो है एक दूसरे से बहुत पास पास दिखाई दे रहे हैं, या थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा गैप है, या बिल्कुल पास पास है। यहां पर देखिए, खुद देखिए, क्या बिल्कुल पास पास है? क्या इसको और इसको तुलना करें, इसकी इससे तुलना करें, इसकी इससे, क्या बिल्कुल पास पास है? नहीं, यहां पर देखें, यहां पर देखें, ये पीले रंग के क्या है बेटा जी? पुष्प है। बताएं क्या यहां पर पुष्प बिल्कुल पास पास है या नहीं है? तो याद रखना, शूकी में और मंजरी में क्या समानता थी, या मैं बोलूंगा शूकी और मंजरी में क्या डिफरेंस है? तो याद रखना बेटा जी, यहां पर पुष्प पास पास लगे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? पुष्प जो होते हैं वो पास पास लगे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सा था, बस इतना सा ही अंतर था और कुछ नहीं था। अब तीनों की तुलना एक साथ करो। देखो यहां पर पुष्प जो है अवरंती है और थोड़े से दूर दूर लगे हुए हैं। यहां पर पुष्प जो है, ध्यान से सुनना, यहां पर पुष्प जो है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी लिख देता हूं, पुष्प पास पास है, यहां पर भी पुष्प पास पास है, यहां पर पुष्प अवरंती है, यहां पर पुष्प दूर दूर थे और अवरंती थे, यहां पर पुष्प पास पास है, अवरंती है, लेकिन 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 पूरे पुष्प क्रम को ढक लिया था किसने? सहपत्र ने। किसने ढक लिया था? एक सहपत्र जिसका नाम था स्पेथ, जो यहां पर नहीं है। अब तुलना करें इसकी और इसकी, कॉमन क्या था कि साहब यहां पर पुष्प अवरंती, सर यहां पर भी पुष्प अवरंती, सर यहां पर पुष्प पास पास है, सर यहां पर भी पुष्प पास पास है, लेकिन सर यहां पर ना एक सहपत्र ने पूरे पुष्प क्रम को ढक लिया था, यहां पर ऐसा नहीं है। बस इतनी सी बात याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। उदाहरण बेटा जी याद रखना है आपने, एग्जाम्पल। मेरे ख्याल से आप सभी ने खाया होगा बचपन में, मैंने तो बहुत खाया है अपने स्कूल में। वृक्ष होते थे हमारे स्कूल में, किसके? इसके, शहतूत के। ठीक है, और हमने तो बहुत खाया भैया शहतूत। ठीक है, तो बेटा जी याद रखना, शहतूत जिसको हम मलबरी बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखना है, भूलना नहीं है आपने, शहतूत जो होता है, ठीक है, उसमें कैसा पुष्पक्रम मिलता है? असमाक्षी, और असमाक्षी कौन सा? पर्टिकुलरली मंजरी। सिंपल सा था, चलें आगे। नेक्स्ट पांचवा, समशिक। समशिक जिसको इंग्लिश में बोला है कौरम्ब। ठीक है, अब समशिक में देखो, जरा वर्ड देखो, सम, सम का मतलब क्या होता है? समान, और शिख का मतलब क्या होता है? शिखर। सम का मतलब क्या है? समान, और शिख का मतलब क्या है? शिखर। आइएगा देखिएगा क्या मतलब है। देखिए वापस से एक तना, उससे ये जड़ें, अब देखिएगा ये है शाखा,
आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये साहब सबसे पहला फूल था जिसकी ये पुष्प वृंत थी और लंबी सी थी। ठीक है, फिर एक और अगला पुष्प निकला जिसकी पुष्प वृंत इससे थोड़ी सी छोटी, लेकिन शिखर जो है बराबर था। फिर एक और नया आया, उसकी पुष्प वृंत और छोटी, शिखर जो था वो बराबर था। फिर एक और आया और पुष्प वृंत छोटी हो गई और लेकिन शिखर पर बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो जरा सोच समझ कर मुझे बताएंगे, शिखर अगर हम देखें, शिखर बराबर है या नहीं है सभी पुष्पों का? क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो पुष्प था उसकी पुष्प वृंत सबसे लंबी थी, जो नए नए आ रहे हैं उनकी पुष्प वृंत छोटी है, इस कारण सारे के सारे समान हाइट पर दिख रहे हैं। समझ में आया? तो ऐसा ऐसा पुष्पक्रम असिमाक्षी क्या कहलाता है? समशिक कहलाता है, याद रखना, भूल मत जाना। ये मिलता है बेटा जी, उदाहरण याद रखना है आपने, एग्जाम्पल याद रखना है, भूलिएगा मत। कैंडी टफ्ट में कैंडी टफ्ट में आइबेरिस अमारा, इसका वैज्ञानिक नेम है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होती है, तो अब आप मुझे बताएं, इमली खाई है आपने? इमली खाई है? इमली, इमली को बोलते हैं बेटा जी क्या? कैंडी टफ्ट आइबेरिस अमारा। तो भूल मत जाइएगा इस चीज को, किस चीज को, कि इमली में, कैंडी टफ्ट में, इससे ना नीट में बहुत प्रश्न पूछे जाते थे, याद रखना। आइबेरिस हमारा कैंडी टफ्ट में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं पुष्प क्रम कैसा मिल रहा है? असिमाक्षी मिल रहा है। कौन सा? कौरिम्ब, यानी समशिक। समशिक का मतलब है क्या? कि जितने भी पुष्प हैं वो समान शिखर पर मिल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला जो पुष्प था उसकी पुष्प वृंत सबसे लंबी थी, जो नए नए आ रहे हैं उनकी छोटी होती जा रही है। लेकिन सारे के सारे देख लो, ये सबसे लंबा, फिर और छोटा पुष्प वृंत, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, लेकिन सारे पुष्प एक ही शिखर पर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? आया मीनिंग समझ में? डनाटन डन, क्लियर है। आइए आखिरी प्रकार किसका बेटा? असिमाक्षी का आखिरी प्रकार है आपका छत्रक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अंबल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अंबल। अब जरा गौर से देखो, देखो जरा यहां पर, अगर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं। देखो सिंपल, ये निकली शाखा, ये शाखा वृद्धि करती जाएगी। अब इधर देखिए, शाखा वृद्धि करती जा रही है, शाखा वृद्धि करती जा रही है, और देखिएगा ये है नया पुष्प, सॉरी सबसे पहला पुष्प, ये फिर नया पुष्प, ये फिर नया, 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 ये और नया। अब जरा सोचिए, शिखर पर सारे समान है, शिखर पर सारे समान है, लेकिन 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 सबका पुष्प वृंत भी समान है, ये भी जरूरी है। अब जरा सोचिए, इसमें और इसमें क्या फर्क था? शिखर पर ये भी सारे के सारे समान पर थे, समान हाइट पर है, ये भी सारे शिखर पर समान हाइट पर है, तो फर्क क्या था? साहब यहां पर जो सबसे पहला पुष्प था उसकी पुष्प वृंत सबसे लंबी थी, यानी इनके पुष्प वृंत की लंबाई अलग अलग थी, लेकिन यहां पर ना पुष्प वृंत की लंबाई सबकी सेम है, क्योंकि सभी पुष्प एक ही जगह से क्या हो रहे हैं? उत्पन्न हो रहे हैं, एक ही जगह से उत्पन्न हो रहे हैं। याद रखना, ये आखिरी था क्या? छत्रक, एक छत्र के रूप में बना लिया है क्या पुष्पों ने अपनी इस क्रम को। अब याद रखना है, ये किस में मिल रहा है बेटा जी? सौंफ में। एग्जांपल याद रखना है, सौंफ, धनिया, भूलना नहीं है, किस किस में? सौंफ में, धनिये में और गाजर में। ये तीन उदाहरण आपने कतई नहीं भूलने हैं, कौन कौन सा? सौंफ, धनिया, गाजर, इन तीनों में जो पुष्प क्रम मिल रहा है कौन सा मिल रहा है? असिमाक्षी, और वो भी कौन सा? छत्रक। यहां जाकर हमने कंप्लीट किया है हमारा पहला
पुष्प क्रम, वो भी कौन सा? असिमाक्षी यानी रेसिमोस। चले आगे, अब आखिरी है, दो ही तो थे ना, पहला असिमाक्षी पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ेंगे कौन सा? हमारा ससिमाक्षी। ससिमाक्षी को जरा देखो, गौर से देखो, क्या दिखाई दे रहा है? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ससिमाक्षी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइमोस, और इसमें मैंने आपको दो बिंदु, उसमें भी दो बिंदु बताए, इसमें भी दो बिंदु बताए। क्या सबसे पहला, क्या यहां पर पुष्पीय अक्ष या पुष्पीय शाखा लगातार वृद्धि करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके शीर्ष पर क्या लगा होगा? पुष्प लगा होगा। तो याद रखना है क्या, पुष्पीय शाखा या अक्ष लगातार वृद्धि नहीं करती, क्योंकि जरा सोचिए, क्योंकि सबसे पहला याद रखना, सबसे पहला पुष्प उसके शीर्ष पर पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। जैसे मैं हूं, ये एक शाखा है मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे हाथ छोटे थे, जब मैं बड़ा हुआ तो हाथ बड़े हो गए, अब मान लो ये शाखा पूरी वृद्धि कर चुकी, अब इस शाखा के शीर्ष पर क्या आ जाएगा? पुष्प आ जाएगा। तो पहले शाखा वृद्धि कर लेगी जितनी करनी है, फिर उसके बाद जब उसको वृद्धि नहीं करनी है, उसके बाद उसके शीर्ष पर क्या आ जाएगा? पुष्प आ जाएगा। अब फिर उसके बाद नए नए पुष्प कहां लगेंगे? सबसे पहले शीर्ष पर आएगा, फिर उसके बाद आधार की ओर नए नए पुष्प आते जाएंगे। सबसे पहले शीर्ष पर आएगा, फिर आधार की ओर नए नए क्या आते जाएंगे? पुष्प आते जाएंगे। तो जरा सोचिए, पुष्प किस क्रम में मिलेंगे? तलाभिसारी के अग्राभिसारी। तो याद रखना, पुष्प कौन से क्रम में मिलते हैं बेटा जी? तलाभिसारी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसिपीटल क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने पूरा का पूरा याद रखना है, किसका? ससिमाक्षी का, ठीक है। ये तो मीनिंग तो समझ में आ गया, अब इसके भी प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। आइए सबसे पहला प्रकार पढ़ते हैं, कौन सा? एकल शाखी, एकल शाखी, ठीक है। अब देखो, मैं ना प्रकार एक साथ ही बता देता हूं आपको, ध्यान से देखो, देखो सबसे पहले मान लो ये हमारा एक तना है, और इस तने में ये शाखा निकली, और इस शाखा पर हमने क्या लगा दिया? पुष्प लगा दिया। चलो जी, ठीक है। अब इधर देखना, एक और मैं शाखा निकली, और इस शाखा पर भी मैंने पुष्प लगा दिया। चलो जी, एक और वापस से, शाखा निकली और शाखा पर मैंने लगा दिया पुष्प। तीन प्रकार होते हैं किसके बेटा? आपके ससिमाक्षी जो पुष्प क्रम है उसके तीन प्रकार है, ठीक है। सबसे पहला एकल शाखी, दूसरा होता है द्विशाखी, और तीसरा होता है बहुशाखी, ठीक है। अब शाखी वर्ड किस चीज को बता रहा है? शाखा को। किसको बताएगा? शाखा को। एकल किस चीज को? एक को, है ना। अब देखना ध्यान से देखना, क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये जो शाखा थी, इससे निकली एक शाखा, इससे निकली दो शाखा, और इससे निकली कई सारी शाखा। क्या सिंपल सा डिफरेंस समझ में आया? फिर से देखो, वापस से सुनो, क्या बोला? ये एक शाखा थी, इससे निकली एक शाखा, और उस शाखा के शीर्ष पर भी क्या? पुष्प। ये एक शाखा निकली जिसके शीर्ष पर पुष्प मिल रहा था पहले से, फिर उसके बाद निकली दो शाखा, और दोनों शाखा के शीर्ष पर क्या है? पुष्प। फिर निकली एक शाखा, और इस एक शाखा से कई सारी शाखाएं निकल रही हैं, और सबके शीर्ष पर क्या मिल रहे हैं? पुष्प मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं और क्या होगा अब इसके बाद? अब इधर देखा, ये एक सबसे पहली शाखा थी, फिर उससे एक शाखा निकली,
उसके शीर्ष पर भी क्या था पुष्प, फिर इससे एक और शाखा निकलेगी, उसके शीर्ष पर भी पुष्प, फिर इससे एक और निकलेगी, फिर इससे एक और निकलेगी। जरा सोचिए, एक शाखा से केवल एक ही निकल रही है, एक से केवल एक ही निकल रही है, एक से केवल एक ही निकल रही है, एक से केवल एक ही निकल रही है। लेकिन यहां पर देखो, एक जो निकली थी सबसे पहली, उससे कितनी निकली? दो। फिर इन दोनों से क्या निकलेंगी? दो। फिर इन दोनों से क्या निकलेंगी? और दो। यानी हर एक शाखा से कितनी निकल रही है? दो शाखाएं निकल रही है। इधर देखो, ये एक शाखा से कितनी निकली थी? बहुत सारी। फिर इससे कितनी निकलेंगी? बहुत सारी। इससे बहुत सारी, इससे बहुत सारी, इससे बहुत सारी। समझ में आया? तो तीन प्रकार के होते हैं आपके ससमाक्षी पुष्प क्रम। सबसे पहला हम कौन सा देखने वाले हैं? एकल शाखी। एकल शाखी का मतलब हर एक शाखा से, हर एक शाखा के शीर्ष पर तो क्या होएगा? पुष्प होएगा। और एक शाखा से केवल एक ही शाखा का निर्माण होएगा। जरा देखिएगा, देखिए ये एक शाखा दिख रही है जिसके शीर्ष पर क्या था? पुष्प था। फिर एक और इससे शाखा निकली जिसके शीर्ष पर क्या था? पुष्प था। फिर इससे एक और शाखा निकली जिसके शीर्ष पर क्या था? पुष्प था। फिर इससे एक और शाखा निकली जिसके शीर्ष पर क्या था? पुष्प था। फिर एक और शाखा निकली जिसके शीर्ष पर क्या था? पुष्प था। यानी एक शाखा से केवल एक शाखा निकलेगी, इसको हम बोलेंगे एकल शाखी, है ना? क्या बोलेंगे? एकल शाखी बोलेंगे। अब बेटा जी, ये जो एकल शाखी जो है, इसके भी प्रकार है। ये जो एकल शाखी है, इसके भी प्रकार है। आइए देखिए, सबसे पहले है कुंडलाकार। सबसे पहला जो प्रकार है उसका नाम है कुंडलाकार, और दूसरा जो है उसका नाम है वक्रीय। देखो, एकल शाखी जो है इसके दो प्रकार है, एक है कुंडलाकार और एक है वक्रीय। अब दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। देखिए, ये पेड़, ये इसकी एक शाखा, जिस पर ध्यान से देखना, सबसे पहले इसको देखना, एक पुष्प, फिर इससे एक शाखा निकली, उस पर भी एक पुष्प, फिर इससे एक और शाखा निकली, उस पर भी एक पुष्प, फिर इससे एक और शाखा निकली, फिर उस पर भी एक पुष्प, फिर इससे एक और शाखा निकली, उस पर भी एक पुष्प। अब आप मुझे बताना, ये मेरा कौन सा हाथ है, राइट है या नहीं, और ये कौन सा है, लेफ्ट। इस डंडी से, इस शाखा से जो नई शाखा निकली थी वो राइट में निकली कि लेफ्ट में? आप बोलेंगे सर राइट में। फिर इस डंडी के अगली शाखा कहां पर निकली? फिर राइट में, फिर राइट में, फिर राइट में। यानी सारी की सारी एक ही दिशा में निकल रही है, सारी की सारी एक ही दिशा में निकल रही है। और जरा सोचिए, क्या ये इस तरीके से कुंडलन पैदा कर रही है? यानी पैदा कर रही है, कैसा है? ऐसा लगेगा जैसे कुंडलित होती जा रही है। जरा सोच समझ कर मुझे बताए, क्या ये दिख रहा है आपको? ये इसके राइट, फिर इसके राइट, फिर इसके राइट, फिर इसके राइट। समझ में आया? तो इस तरीके से एक ही दिशा में निकलेंगी तो क्या कहलाएगा बेटा जी? आपका कुंडलाकार। याद रखना, ये किसमें मिलता है बच्चों? याद रखना, ये मिलता है आपका आलू में। भूलिएगा मत, ये किसमें मिलता है? आलू में। ठीक है, अब दूसरा एक बार देख लेते। दूसरा जो था एकल शाखी, उसका नाम है वक्रीय। ठीक है, अब इसको देखना, इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉर्पियोइड। अब देखिएगा, ये तना, ये जड़े, और साहब ये निकली एक शाखा, जिस शाखा के शीर्ष पर क्या था? पुष्प। चलो जी, ठीक है। अब अगली शाखा देखिए कहां से निकल रही है। देखिएगा, अगली शाखा मान लेते राइट से निकली है। कहां से निकली है? कहां से निकली है? मान लेते हैं राइट से निकली है। ये इसका राइट यही होएगा ना? इतना तो समझ में आता है ना कि भैया इस शाखा का राइट इधर की तरफ होएगा कि नहीं होएगा, है ना? इस शाखा का शीर्ष पर कौन है? चलो जी, पुष्प। ठीक है, अब अगली देखना कहां निकल रही है। इसके, ये जो नई बनी है, इसके राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में निकली, इस पर भी पुष्प। फिर अगली देखना कहां निकल रही। अब अगली राइट में निकली, फिर अगली लेफ्ट में निकली,
तो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, जरा सोचे इस तरीके से, वो तो जरा सोचे, इसमें केवल एक ही दिशा में निकलती जा रही थी, एक ही दिशा में, राइट 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 या लेफ्ट 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 या राइट 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 राइट, लेकिन यहां पर एक बार राइट, एक बार राइट, फिर एक बार लेफ्ट, फिर एक बार राइट, फिर एक बार लेफ्ट, फिर एक बार राइट, फिर एक बार लेफ्ट, फिर एक बार राइट, फिर एक बार लेफ्ट, इस तरीके से निकलती जाएंगी। तो याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं, वक्रीय बोलते हैं। दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, एकल शाखीय, यानी केवल एक ही शाखा निकल रही है। इसका उदाहरण आपने याद रखना है बेटा जी, इसका उदाहरण भूलना नहीं है, किसका, वक्रीय का, क्या, कपास, एग्जाम्पल याद रखना, क्या, कपास। इसका क्या था बेटा जी, आपका आलू, और इसका है आपका कपास। ये बस इतना सा ही था हमारा, क्या, एकल शाखी। ठीक है, अब जरा सोचे, मैंने बताया था कितने प्रकार है, तीन है। पहला एकल शाखी, जिसके दो प्रकार है, कौन कौन सा, एक है वक्री और एक था क्या बेटा जी, आपका कुंडलाकार। ठीक है, अब दूसरा जो है उसका नाम है द्विशाखी, और देखकर मुझे बता दीजिए, ये सबसे पहली शाखा जिसके शीर्ष पर कौन है, पुष्प, और इससे दो शाखा निकली, उनके शीर्ष पर भी पुष्प था, फिर ये जो शाखाएं हैं इनसे फिर दो शाखाएं निकली, उनके शीर्ष पर भी पुष्प। अब अगला पुष्प कैसे लगेंगे, फिर इनसे 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 क्या निकलेंगी, दो दो शाखाएं, फिर उन पर पुष्प। तो इस प्रकार से एक शाखा से दो शाखाएं निकल रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, द्विशाखी। ये मिलता है बेटा जी आपका एग्जाम्पल चमेली में, याद रखना, किसमें मिलता है बच्चों, चमेली में और सागौन में। अच्छा अच्छा, कितनी ले, सागौन जानते हैं, कितनी लेगी, इसके फर्नीचर बनाए जाते हैं, इसको टीक भी बोला जाता है, सुना है, टीक की लकड़ी, सागौन की लकड़ी, सुना है, सागौन की लकड़ी, टीक की लकड़ी, बड़े अच्छे क्वालिटी के फर्नीचर बनाए जाते हैं इसकी लकड़ी से, सागौन। तो ठीक है, सागौन और चमेली में कैसा होता है, स से माक्षी कौन सा, द्विशाखी। आखिरी आखिरी जरा देखिएगा बेटा जी आपका बहुशाखी, क्या है बेटा, बहुशाखी। अब बहुशाखी में क्या निकलेंगी, यहां पर एक्चुअली यहां पर कई सारी निकाली थी, निकाली नहीं है इन्होंने, एक फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे कई सारी शाखा निकली, फिर हर एक शाखा से कई सारी निकलेंगी, कई सारी यानी कुल मिलाकर एक शाखा से कई सारी शाखाएं निकलेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, बहु शाखी बोलेंगे, मल्टी पैरस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं बहु शाखी। सीधा सा उदाहरण याद रखना इसका, एग्जाम्पल आख, आख का जो पेड़ होता है उसमें कैसा मिलता है बेटा जी, स समाक्षी मिलता है, स समाक्षी कौन सा, बहुशाखी। बहुशाखी का मतलब एक शाखा से दो नहीं निकलेंगी, एक नहीं निकलेंगी, बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी, फिर वो जो नई नई शाखाएं निकली हैं उनसे भी फिर वापस से बहुत सारी निकलेंगी। ठीक है, द्विशाखी क्या था, एक शाखा से दो निकली, फिर वो जो दो नहीं है उनसे फिर दो निकली, फिर जो दो नहीं है उनसे दो निकली, एक शाखी, एक शाखा से केवल एक निकलेगी। अब हो सकता है सारी की सारी एक ही दिशा में निकले, हो सकता है एकांतरित रूप से अलग अलग दिशा में निकले। ये था बेटा जी हमारा सासिमाक्षी, और इससे पहले हमने पढ़ा कौन सा, आसिमाक्षी। ये आज हमने टोटल खत्म किया है, क्या, हमारा इनफ्लोरेसेंस, यानी हमने पढ़ा है क्या, पुष्पक्रम। सब कुछ हमने पढ़ा, क्या क्या हमने पढ़ा, पुष्पक्रम जो था भैया दो प्रकार का था, असिमाक्षी ससिमाक्षी। असिमाक्षी का मतलब एक ऐसा पुष्पक्रम जिसमें नए पुष्प जो होंगे वो अग्र रूप से आगे की तरफ लगते जाएंगे, शाखा जैसे बढ़ती जाएगी आगे की तरफ लगते जाएंगे, क्योंकि शीर्ष पर कोई पुष्प नहीं मिलेगा। उसके छह प्रकार थे, हमने सारे के सारे पढ़े हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ससिमाक्षी, जिसमें शीर्ष पर पुष्प पहले से उपस्थित है, नए पुष्प जो होंगे वो तल की ओर लगेंगे, आधार की तरफ लगेंगे। ठीक है, ये था सासिमाक्षी, इसके हमने प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, अब समय हुआ है बच्चों किस चीज का, आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, असिमाक्षी पुष्प क्रम में पुष्प लगे होते हैं, अग्राभिसारी तलाभिसारी दोनों ए और बी या कोई नहीं, असिमाक्षी में कैसे लगे होते, असिमाक्षी में रेसिमोज में कैसे लगे हुए थे,
चलिए दूसरा प्रश्न, बहुशाखी ससिमाक्षी पुष्पक्रम पाया जाता है। बहुशाखी अभी लास्ट में पढ़ा था, बिल्कुल लास्ट में पढ़ा था, बहुशाखी किसमें पाया जाता है, आक में, चमेली में, सागौन में या कपास में? बहुशाखी चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा यहां पर, असिमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्प लगे होते हैं। असिमाक्षी यानी रेसिमोस, सबसे पहला हमने असिमाक्षी पढ़ा था और क्या पढ़ा था कि कहीं ना कहीं नए पुष्प जो थे वो आगे की तरफ लग रहे थे क्योंकि शीर्ष पर कोई पुष्प नहीं था, शाखा बढ़ती जाएगी आगे की तरफ नए नए पुष्प लगते जाएंगे, तो किस प्रकार से मिलेंगे, अग्राभी सारी रूप से मिलेंगे। तलाभी सारी किसमें थे, असिमाक्षी में थे, ठीक है याद रखना। दूसरा था बेटा जी हमारा प्रश्न बहुशाखी, अभी अभी मैंने आपसे पूछा था, अभी अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था ससिमाक्षी का बहुशाखी, एक शाखा से कई सारी शाखाएं निकल रही है, फिर उनसे कई सारी निकल रही है, किसमें मिल रहा था, आक में। केवल एक ही तो उदाहरण बताया था, क्या ओक बोल दीजिए, आक पादप बोल दीजिए, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने इसी पेड़ की छाल से कोशिकाओं को देखा था, किसको, आक पादप को, ठीक है। तो ये है बेटा जी आपका आंसर इस प्रश्न का, ठीक है। बाकी आप जानते हैं चमेली और सागौन में कैसा था, द्विशाखी था, कपास में कैसा था, एक शाखी था और वो भी वक्रीय था अगर याद हो तो, ठीक है। चलिए ये था बेटा जी आज का क्विज और होमवर्क मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे अब बात करेंगे किसकी, एक्चुअली फल की, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में, ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।